कोटा के मंडाना कस्बे में स्कूल के बच्चों ने विजयदशमी की रात एक अनूठी परंपरा की। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने एक रावण तैयार किया जिसको कोरोना का नाम दिया गया। इसके बाद स्कूल के बच्चों ने कोरोना रूपी रावण का दहन किया और खूब मस्ती की। स्कूल के बच्चों का कहना है कि इसको कोरोना ने बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया। बच्चों ने पेपर रद्द हो गए हैं, इसके कारण भगवान श्री राम ने अहंकार रूपी जिस प्रकार से रावण का अंत किया, उसी तरीके से सभी बच्चों ने कोरोना का अंत करने के लिए आज कोरोना के रावण का दहन किया, जिससे कि कोरोना की बीमारी देश से पूरी तरह खत्म हो जाए। रावण से दहन है कि हम कोरोना वायरस को समाप्त कर सके और हमारी पढ़ाई भी मारी जा रही है। इसके लिए 10वीं और 12वीं के बच्चों के पेपर भी निरस्त हो गए हैं, इसलिए बच्चों का पढ़ाई पर से ध्यान हट रहा है। आज विजयदशमी के दिन रावण का दहन करने का मतलब है कि कोरोना वायरस को हम समाप्त कर सके और सोशल डिस्टेंस बनाए रखनी चाहिए हमें, ताकि कोरोना वायरस समाप्त हो सके।